नीति 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 मॉम नीति नीति बेटा नीति 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 बेटा नीति बेटा इसे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी लड्डू गोपाल आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ आपसे मेरी बिट्टू का ख्याल रखना मेरे सुयश को कभी उदास मत होने देना अब अपने परिवार की खुशियाँ मैं आपके हाथों में सौंप कर जा रही हूँ साथ तो बहुत लंबा है मुझसे परेशान हो जाओगे फिर भी पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा समझे तुम ऐसे नहीं जा सकती फाल्गुनी तुमने ही कहा था ना हम दोनों का साथ बहुत लंबा नियति बेटा नियति 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 जल्दी ले चलिए आप है ना एक काम कर दो जल्दी ले चलिए प्लीज उनसे फॉर्मेलिटी पूरी करवा नियति डैड वो अंदर नहीं जाने दे रहे मुझे आप पेशेंट के कौन है मैं पति हूं उसका तो आप ये फॉर्म भर दीजिए क्या फॉर्म क्या किस बात का फॉर्म है ये कंसेंट फॉर्म है कंसेंट मतलब क्या कंसेंट किस बात का कंसेंट इसमें लिखा है कि आप डॉक्टर को ये परमिशन देते हैं कि ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो कुछ हो जाता है मतलब कुछ हो जाता है मतलब क्या विधान आपकी ड्यूटी है ना उसे विधान अब क्यों नहीं बचाओगे उसे विधान क्या कर रहे हो विधान विधान बेटा छोड़ सॉरी मैं आपसे माफी मांगता हूँ मेरे बेटे की तरफ से आप समझ सकते हैं इसकी क्या हालत है देखिए हम एक डॉक्टर हैं कोई जादूगर नहीं है हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बाकी आगे भगवान की मर्जी डॉक्टर आई एम सॉरी डॉक्टर आप बस उसे कुछ होने मत देना प्लीज साइन कीजिए प्लीज साइन करो बेटा ये साइन करो बेटा डॉक्टर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज बच्चे को हाँ हमारी बहू 6 महीने की प्रेग्नेंट है प्लीज डॉक्टर कुछ करिए आप प्लीज डॉक्टर अपने आप को संभालो तो विधान की हालत देखो इस वक्त उसे हमारी जरूरत है अगर तुम अपने आप को नहीं संभालोगी तो फिर हम उसे कैसे संभालेंगे विधान के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए और हमारी बहू को भी दोनों बहू हैं डैड अभी वहां कभी कुछ पता नहीं चला अभी तक थैंक यू सर इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे मिलने का मौका दिया थैंक यू मत बोलिए मिस्टर रावत हम पब्लिक सर्वेंट हैं आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं एक्चुअली मैं अभी आपके केस के बारे में ही बात कर रहा था मतलब फाल्गुनी मेरी पत्नी मिल जाएगी ना देखिए अभी उन्हें गायब हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे कायदे से मिसिंग FIR दर्ज करने के लिए कम से कम 24 घंटे तो वेट करना पड़ेगा सर कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है एक्सीडेंट हुआ मेरी बीवी का वो हॉट एयर बलून में थी और मैंने स्टडी किया है लेकिन 24 घंटे से पहले हमको 24 घंटे नहीं है मेरे पास सर मेरी बीवी घायल होगी क्या उसे इमरजेंसी की जरूरत नहीं होगी क्या वो वेट करेगी कि 24 घंटे खत्म हो जाए तो पुलिस रेस्क्यू करने आए सर प्लीज आप एक टीम को भेज दीजिए प्लीज रिलैक्स मिस्टर रावत रिलैक्स नहीं कर सकता सर मेरी बीवी वहां जिंदगी से जूझ रही होगी और आप कह रहे रिलैक्स सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक टीम भेजिए वरना मुझे होम मिनिस्टर को कॉल करना पड़ेगा ओके ओके मैं अभी सर्च ऑपरेशन शुरू करवाता हूं और जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको फोन करूं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक फाल्गुनी का पता नहीं चल जाता ना मैं यहां से नहीं जाऊंगा सर
हेलो दिल्ली बोल रहा हूँ मैडम। क्या हो उतरा, कुछ चाहिए? नहीं, मैं इंश्योरेंस के पेपर्स रेडी करवाती हूँ, अभी आई। बोलो। आपका काम हो गया है, बस पैसे का इंतजाम कर लीजिए आप। काम हुआ नहीं है, तुमने बिगाड़ दिया है। हॉट एयर बलून में फाल्गुनी के साथ मेरी छोटी बहू भी थी। अरे लेकिन मैडम, जो कुछ हुआ उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन आप ही ने बोला था ना कि ठीक 12 बजे ना एक सेकंड इधर ना उधर बलून हवा में उड़ा देना। हमने ठीक 12 बजे बलून उड़ा दिया। अब ऐसे भी मैडम, गेहूं के साथ खून तो पिसता ही है ना। और एक बात, फाल्गुनी को वहाँ अकेले लाने की जिम्मेदारी आपने ली थी, मैंने नहीं ली थी। अगर तुमने फाल्गुनी के साथ किसी को देखा था तो मुझे फोन करके पूछ सकते थे ना। देखिए मैडम, सब कुछ आपके ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। आपने बोला 12 बजे बैलून उड़ा देना, तो हमने उड़ा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। अब देखिए, ज्यादा बात खराब मत कीजिए, हमारे पेमेंट का टाइम है, हमें पेमेंट दीजिए, क्योंकि लड़की मर चुकी है। बेटा, फाल्गुनी की कोई खबर मिली? नहीं रहा। सड़क से कितनी दूर? डैड, मैं आपको कॉल करता हूँ। चलो। नहीं, कुछ नहीं। नहीं जी सर, कुछ पता चला? देखिए, जिस बैलून पर आपकी वाइफ जा रही थी उसके टुकड़े मिले। और फाल्गुनी? उनकी बॉडी तो नहीं मिली। बॉडी? सर, आप मेरी वाइफ को बॉडी मत बोलिए। शी इज नॉट डेड, मरी नहीं है वो। आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि बैलून के टुकड़े तो मिले हैं, लेकिन आपकी पत्नी कहीं नहीं मिली। सर, हो सकता है कि बैलून के गिरने से पहले ही वो कहीं कूद गई हो। हम भी यही सोच रहे हैं। हमारी एक सर्च टीम सड़कों पर लोगों से पूछताछ कर रही है, एक टीम जंगल का एरिया स्कैन कर रही है, लेकिन ऐसे केसेस में बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सर, आपके आंकड़े बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन मेरा विश्वास गलत नहीं हो सकता। प्लीज सर, आप एक सर्च टीम को भेजिए वापस। मेरी फाल्गुनी को कुछ नहीं हुआ सर, मेरी फाल्गुनी वापस मिलेगी, फाल्गुनी मिल जाएगी सर। रिलैक्स मिस्टर रावत, हम कोशिश कर रहे हैं। सरप्राइज देना चाहता था उसे, मैंने नहीं सोचा था जिंदगी में ऐसा सरप्राइज देगी। देख बेटा, कुछ नहीं होगा उसका। ये क्या कर दिया आपने भगवान? पहले तो हमारे परिवार में बस हम चार ही लोग थे, हमारी दोनों बहुओं के आने के बाद रावत मैंशन, रावत परिवार बन गया। आप ही ने हमारे घर में इतनी सारी खुशियां दी और फिर अचानक ये सब। हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई? हिम्मत मत हारिए जयंत, आप मुझे कह रहे थे ना कि मैं अपने आप को संभालूं, और आप खुद हिम्मत हार रहे हैं। हर समय आपके पास कोई ना कोई चुटकुला तैयार होता है ना सबको हंसाने के लिए। अब क्या हुआ,
नियति को कुछ नहीं होगा, उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दादा दादी बनेंगे, हमारी खुशियां दुगनी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। बस आप अपने आप को संभालिए। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? अच्छी बात यह है कि आपकी बहू सही सलामत है। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन 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 हम बच्चे को नहीं बचा पाए। नियति ने अपना बच्चा खो दिया है। She's had a miscarriage. डैड, मॉम, बच्चे को कैसे नहीं बचा पाए डॉक्टर? आप डॉक्टर कुछ तो होगा जो आप कर सकते होंगे ना डॉक्टर? हमने पूरी कोशिश की है मिस्टर वेदांत। मुंबई से भी हमारे पास एक सर्जन आए हैं, उन्होंने मैनेज करके कैसे भी नियति को बचा लिया है। मुझे नियति से मिलना है। एक मिनट। देखिए, वो अभी बेहोश है, उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। उसे होश आते ही आप उससे मिल लीजिए। लाली कह रही है कि वो नियति अच्छी बात यह है कि आपकी बहू सही सलामत है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। नियति ने अपना बच्चा खो दिया है। मिठाई खाइए मैडम, मेरी बीवी को लड़का हुआ है। यहाँ मेरी बहू अपना बच्चा खो चुकी है और तुम मिठाई बांट रहे हो। रावत खानदान का वारिस इस दुनिया में आने से पहले चला गया और तुम मिठाई बांट रहे हो। क्यों? क्यों? मैं उन पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहती जो बच्चा पैदा होने तक नाम ही डिसाइड नहीं कर पाती। फिर उमर भर लल्लू पुच्चा टिब्बू पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते। विधान, हमारा बेबी इससे भी ज्यादा क्यूट होगा, पर हमें इसको रूम भी अच्छा डेकोरेट करना होगा ना। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बोर्डिंग जाए। जीजू भी तो नहीं गए बोर्डिंग, लेकिन वो तो बन गए काम के आदमी। इसमें जींस तो मेरे होंगे ना। परवरिश तो मेरी होगी। लाल लूं, पीला लूं या नीला लूं, क्या लगता है बेबी को क्या पसंद आएगा? अरे यार, बेबी को तो कोई भी कलर देगा पसंद आ जाएगा। विधान रावत का बेटा और चूज ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बलून की क्रैश साइट ये है और इतने एरिया में हमने ढूंढ लिया, राइट? राइट। और यहाँ पे 3 किलोमीटर के रेडियस में कुछ नहीं मिला। नॉर्थ और ईस्ट वहां भी कुछ नहीं मिला। और साउथ में रोड है, वहां पूछताछ जारी है। वेस्ट में दरिया है। सर दरिया तो वहां डाइवर्स होंगे ना, बोट्स, लाइफ गार्ड्स, कुछ तो होगा। भेजे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 2000 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच सकता है? वर्ल्ड का टॉप स्विमर भी होगा तो बचकर नहीं आ सकता। मिस्टर रावत, उम्मीद रखना अच्छी बात होती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिस्टर रावत, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी इंसान का बच पाना मुश्किल है। अगर वो दरिया में गिरी हैं और अगर वो जंगल में गिरी हैं तो उन्हें जंगली जानवरों ने नहीं छोड़ा होगा। देखिए,
आपकी वाइफ अब इस दुनिया। नहीं सर, नहीं, मेरी फाल्गुनी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज मिस्टर रावत, समझने की कोशिश कीजिए। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब हमें इस सर्च ऑपरेशन को बंद करना होगा। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ये सर्च ऑपरेशन बंद मत कीजिए। मेरी फाल्गुनी को कुछ नहीं हुआ है सर। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी फाल्गुनी वापस आएगी। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन हमसे जो हो सकता था वो हमने किया। अब उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। 5 साल पहले भी एक ऐसा हादसा हुआ था, 3 दिन ढूंढने के बाद भी वो आदमी नहीं मिला। फिर 5 दिन के बाद मछुआरों को उसकी लाश मिली। मिस्टर रावत, हम आपके कहने पर सर्च ऑपरेशन जारी रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा होगा। हेलो, ओके, एक डेड बॉडी मिली है। लड़की है, 20-22 साल की। बॉडी अस्पताल में है, क्या आप शिनाख्त के लिए जा सकते हैं?